हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग क्या है, सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईपी एड्रेसिंग में फर्स्टली हम समझने की कोशिश करेंगे कि एड्रेसिंग क्या है, एड्रेस होता क्या है। किसी भी लेटर को, किसी भी पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए हमें एक एड्रेस को, फाइनल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम एड्रेस बोलते हैं। तो एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं वो समझेंगे। एड्रेस में आता है का फिज़िकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। फिज़िकल एड्रेस, मान लीजिए मैं USA में हूँ और मुझे कोई लेटर जो है वो इंडिया में अपने भाई के पास भेजना है, तो USA में मैं फर्स्टली उसको फिज़िकल एड्रेस जो है मुझे पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल एड्रेस क्या है। तो फिज़िकल एड्रेस उसका मेरा इंडिया का क्या होगा, मेरा इंडिया होगा फिज़िकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस क्या होगा कि इंडिया की किस स्टेट में, किस सिटी में और किस विलेज में मेरा घर है, वो मेरा लॉजिकल एड्रेस है। तो लॉजिकल एड्रेस में क्या आता है, जैसे हम मैक को हम एक लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, 48 बिट्स का होता है। और आईपी एड्रेस जो होता है वो 3264 बिट्स का होता है। 3264 बिट्स से दोनों देखने से पता लग रहा है कि 32 बिट्स जो है वो 64 से कम है, मतलब कि 32 बिट्स जो है वो कम सिस्टम को एज़ कम्पेयर टू 64 बिट्स से कम सिस्टम को कवर कर पाएगा जितना 64 कम कर पाता है। हम आगे चलते हैं, अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस वर्जन 4 वर्जन 6। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी को क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट्स ए यूनिक एड्रेस, ये यूनिक एड्रेस है। हर एक हार्डवेयर का एक अलग यूनिक एड्रेस होगा। यूज़ टू आइडेंटिफाई हार्डवेयर डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। इसको ये किस लिए यूज़ होता है कि आप एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस को नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक आईपी एड्रेस का आईपी को यूज़ करते हैं कि ये कौन सी आईपी है, किसकी आईपी है। यूनिक एड्रेस ओलो डिवाइस है। यूनिक एड्रेस से क्या होता है कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और अपना डाटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आने लोकल नेटवर्क और ओवर द इंटरनेट हम इसको भेजते हैं, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस किन दो चीज़ों से मिलके बनता है, आईपी एड्रेस दो चीज़ों से मिलके बनता है। नेटवर्क आईडी होती है उसमें और एक होस्ट आईडी। हम बाद में देखेंगे कि नेटवर्क आईडी किसे बोलते हैं और होस्ट आईडी किसे बोलेंगे। एज ए नेटवर्क आईडी हम इसको डोनेट करते हैं 1 के साथ, और होस्ट आईडी को डोनेट करते हैं 0 के साथ। और आईपी एड्रेस अभी कितने वर्जन है, ओल्ड वर्जन आईपी वर्जन 4 जो है वो ओल्ड वर्जन है, और आईपी वर्जन 6 जो है वो ये न्यू वर्जन है, जिसमें मोर देन 400 ट्रिलियंस कवर कर सकते हैं। और जो आईपी वर्जन 4 था उसमें 4 ट्रिलियंस के आईपी एड्रेस जो हार्डवेयर डिवाइस है वो कवर कर सकते थे। अब ये पढ़ेंगे कि आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस। आईपी वर्जन 4 है 32 बिट्स एड्रेस लेंथ, तो आईपी वर्जन 6 है 128 बिट्स एड्रेस लेंथ। इट सपोर्ट्स मैनुअल एंड DHCP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। इट सपोर्ट ऑटो एंड रीनंबरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। इन आईपी वर्जन 4 एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रेशन इंटीग्रिटी इज अनअचीवेबल। इन आईपी वर्जन 6 कनेक्शन इंटीग्रिटी इज अचीवेबल। इट जनरेट 4.2 से में देखो कि ये 4.29 10.9 एड्रेस को कवर कर सकता है, और ये 3.4 10 के 9 था, यहाँ 38 है। टोटल इससे 4 गुना ज़्यादा हम एड्रेस को कवर कर सकते हैं और हार्डवेयर को कवर कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी फीचर था जो आईपी वर्जन 4 में, वो क्या है कि एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है और उस किस एप्लीकेशन से आप डाटा भेज रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आईपी एप्लीकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। बट आईपी वर्जन 6 में क्या है, हम इनबिल्ट उसमें सिक्योरिटी फीचर दे रखे हैं।
अब आईपी वर्जन 4 में जो जो उसका क्या बोलते हैं आईपी वर्जन 4 है उसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे ये लिखा हुआ है आईपी वर्जन 4, ये सारे डेसिमल में, इनको कंप्यूटर बाद में बाइनरी में समझे को लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड करता है। और आईपी वर्जन 6 में हेक्साडेसिमल दे देखो डी एफ ई एफ ई एफ वी, ये हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है। इन आईपी वर्जन 4 चेक सम फील्ड इज अवेलेबल, इसमें चेक फील्ड इज नॉट अवेलेबल, इट हैज़ ब्रॉडकास्ट मैसेज, इसमें एनी मल्टीकास्ट एंड एनी कास्ट मैसेज होते हैं, इसमें इंक्रिप्शन होता है और इसमें ऑथेंटिकेशन होता है, इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता है, इसमें इंक्रिप्शन होता है और ऑथेंटिकेशन भी होती है। इसमें हेडर वैल्यू होती है 20 से 60 बाइट्स का होता है, इसमें 40 बाइट्स का फिक्स होता है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। आईपी वर्जन 4 में क्या होता है कि चार फील्ड से मतलब आप समझोगे कि चार ऑक्टेट होते हैं इसमें, पीछे सेपरेटेड बाय ऑक्टेट, जैसे 1 2 3 4, 66 को एक ऑक्टेट बोलेंगे और 94 को भी एक ऑक्टेट बोलेंगे, 29 को भी एक ऑक्टेट बोलेंगे और 13 को भी एक ऑक्टेट बोलेंगे। तो ये पूरा टोटल कितने ऑक्टेट हो गए, इसमें चार ऑक्टेट हो गए। तो चार फील्ड को मतलब कि ऑक्टेट, विच सेपरेटेड बाय डॉट्स, जिसको हम डॉट से हम सेपरेट करते हैं। आईपी वर्जन 4 में क्या होता है एल्ड फील्ड, मतलब कि 8 ऑक्टेट से 2001 एक ऑक्टेट है, 0000 दूसरा ऑक्टेट, 3238 तीसरा एक्टेड, ऐसे ऐसे करके सारे 8 एक्टेड होते हैं इसमें, और बीच सेपरेटेड बाय कॉलन, हर ऑक्टेड को दूसरे ऑक्टेड को कैसे सेपरेट किया जाता है कॉलन की तरफ, ये इनकी दोनों की रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप कहीं भी देखते हो वर्जन आईपी वर्जन 4 और उसमें पॉइंट डॉट का सिंबल दिया हुआ है तो ये आईपी वर्जन 4 है, और 4 ऑक्टेट हैं तो आईपी वर्जन 4 है, और इसमें जब कॉलन का सेपरेशन दिया हुआ है और 8 ऑक्टेट हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये आईपी वर्जन 6 है। आईपी वर्जन 4 को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, बट आईपी वर्जन 6 को हम क्लास में डिवाइड नहीं करते। आईपी वर्जन 4 जो सपोर्ट करता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को, इसके बट आईपी वर्जन 4 डज नॉट सपोर्ट आईपी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, एग्जांपल दे रखी है। अभी आगे चलते हैं, अभी क्लास देखते हैं हम आईपी वर्जन 4 की। आईपी वर्जन 6 का हमें बताया कि वो अभी क्लासेस में डिवाइड नहीं किया है इसको। आईपी वर्जन 4 का क्लास है फर्स्ट क्लास, जो क्लास ए है उसमें 1 से लेके 126 तक की रेंज आई हुई है, वो 1 से लेके 126 की रेंज है। और जो फर्स्ट वाली है ये आपकी, ये नेटवर्क आईडी है इसमें, ये नेटवर्क आईडी है आईपी वर्जन क्या बोलते क्लास ए में, और बाकी जो है वो आपकी होस्ट आईडी है। जैसे देखो ये फर्स्ट वाली है जो मानी जाएगी, ये फर्स्ट वाली को आप मानोगे नेटवर्क आईडी और बाकियों को होस्ट आईडी। फर्स्ट ये नेटवर्क आईडी है, बाकी होस्ट आईडी। एग्जांपल के तौर पे आप देखो ये 115 वन से लेके 126 के बीच में आ रहा है, ठीक, और बाकी जो है 000 बाकी रेंज का 0 से लेके 255 तक, 255 0 से लेके 255 तक के इसकी रेंज में को इसको हम बढ़ा सकते हैं 0 से लेके 255। उसके बाद क्लास बी 120 से शुरू हो रहा है। अब क्लास बी 120 से शुरू हो रहा है, 126 से क्लास ए था, 127 जो है वो बीच में ब्लैंक है, तो 127 की जो फुल रेंज है 0 से लेके 255 तक जैसे दे रखा है, तो पूरे रेंज को हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस कहाँ यूज़ होता है, लूप बैक एड्रेस यूज़ होता है जैसे हम अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है पर इसमें इंटरनेट नहीं आ रहा, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्स्टली हम देखेंगे कि उसमें लूप बैक एड्रेस अपने डॉट्स में मार के उसमें देखेंगे कि लूप बैक एड्रेस मारेंगे कोई भी इसमें आईडी ले लेंगे कोई भी, जैसे ये ले लिया हमने 127.10.10.120 ये ले ली। तो ये लगाने के बाद जैसे हम चेक करेंगे अगर उसमें कोई रिप्लाई आता है तो इसका मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो उसका नेटवर्क अच्छा है, आपका जो नेटवर्क है वो पीछे से प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले हम अपने सिस्टम को चेक करेंगे, अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको दूर करेंगे, नहीं तो हम अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये रिप्लाई आएगा इसका। अब क्लास बी के इसका 128 से लेके 191.0.255 ये इसकी रेंज है। और इसमें क्लास बी में क्या होता है कि 128 और फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए उन्होंने बैकेंड कर रखे हैं, नेटवर्क के लिए अरेंज कर रखे हैं, बाकी जो नेक्स्ट जो सेकंड थर्ड और फोर्थ हैं वो होस्ट आईडी रखे हैं। यानी और इसी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 128 क्या है 128 के इसके दोनों के बीच में आता है 171.10.10.10
क्लासी, क्लासी में क्या आता है, क्लासी है आपके आ गया 192.010 से लेके 2.223.255.255.0। इसमें क्या है कि फर्स्ट थ्री जो है आपके ऑक्टेट वो नेटवर्क के लिए उन्होंने अरेंज कर रखे हैं, और लास्ट वाला जो है वो आपका होस्ट आईडी है। अब इसकी एग्जांपल देख लो, इन दोनों के बीच में 192 से लेकर 2.223 के बीच में कोई भी हम नेटवर्क आईडी ले लेंगे, कोई भी आईडी ले लेंगे आईपी एड्रेस की, वो उसको हम क्लास सी का बोलेंगे। 224 से लेके 224 से लेके 239 की जो भी आईडी है उसको हम क्लास डी बोलेंगे, क्लास सी क्या बोलेंगे 240 से लेके 240 तक की। अब बोलोगे कि इसमें नेटवर्क आईडी नहीं है सर, इफ मल्टे कि इन दोनों आईडी को हम क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते, इन दोनों आईडी को हम यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ क्लास ए बी सी तीन ही आईपी एड्रेस को यूज़ करते हैं। क्लास डी क्लास ई को हम नहीं यूज़ करते। क्लास डी वैसे यूज़ होता है मल्टीटास्किंग के लिए, और क्लास ई जो यूज़ होता है रिसर्च के लिए। ये दोनों के एग्जांपल दे रखे हैं। आगे चलते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक लास्ट है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है। आपने सुना होगा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम बोल सकते हैं कि विद इन द लोकल नेटवर्क, लोकल नेटवर्क के अंदर कोई भी जो ये आईपी एड्रेस हम यूज़ करते हैं जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यानी उनको हम बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। वो भी एक डिसाइडेड आईपी एड्रेस दी हुई है, जैसे लास्ट में एग्जांपल दे रखी है मैंने कि इन आईडी को हम क्या करते हैं, सॉरी इसमें से एक फिगर को हटा लेना, 192 कर लेना, इसको 192 जीरो को हटा लेना, 192 कर लेना। तो ये आईपी एड्रेस दे रखा है, तो इसमें क्या जैसे दिखा है इसमें, और जो पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी क्या है कि ऑन द इंटरनेट के ऊपर जितनी भी आईपी हैं उनको सबको बाकी वो क्या बोलेंगे, पब्लिक आईपी। जैसे प्राइवेट आईपी क्या बोलेंगे, यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइस ऑन इन लोकल नेटवर्क, यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइस ऑन ए लोकल नेटवर्क, और यूज टू कम्युनिकेट विद साइट एंड सर्वर ऑन द इंटरनेट, फ्री ऑफ कॉस्ट असाइन बाय द रूटर, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट असाइन बाय द नेटवर्क सर्वर प्रोवाइडर एट ए प्राइस, इजिली ट्रेसेबल बाय अदर डिवाइस। इसमें ट्रेसेबल तो हर चीज़ हो सकती है, पर इसमें ट्रेसेबल कौन करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हो सकती है, हैकर कर सकता है, और गवर्नमेंट तो कर ही सकती है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक नहीं होता है, इसकी आईपी कोई भी यूज़ करता है, मतलब इनमें से कोई भी आईपी आप कभी ले सकते हो, और विद इन द लोकल नेटवर्क आपकी जो आईपी है वो सेम नहीं होनी चाहिए, वो अलग होनी चाहिए, पर विद इन द आउटसाइड द नेटवर्क हम सेम आईडी को भी यूज़ हम आईपी को भी यूज़ कर सकते हैं। एक कम्प्लीटली यूनिक, ये पूरी कम्प्लीटली पब्लिक आईपी जो कम्प्लीटली यूनिक होती है, नॉट यूज्ड बाय द अदर डिवाइस। प्राइवेट आईपी को हम सिस्टम में दे सकते हैं कि हमारी प्राइवेट आईपी क्या है, और पब्लिक आईपी को देखने के लिए हम गूगल से पूछ सकते हैं कि हाँ भी व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, आप पूछ सकते हो आप गूगल को कि व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, तो गूगल आपको बता देगा कि आपकी आईपी एड्रेस क्या है, आप आईपी वर्जन 4 में हो या वर्जन 6 में हो आप बता देगा। अच्छा, ये रेंज दे रखी है जो फिक्स है, जैसे 10 से लेके 10 की जो पूरी रेंज है उसको जो है वो प्राइवेट आईपी है, 172.16 से लेके 172.31 तक की पूरी रेंज जो है वो भी प्राइवेट आईपी है, और 192.168.01.0 से लेके 192.168.255.255 यहाँ पे 192 कर लिए प्लीज़ सॉरी। तो ये पूरी की पूरी आईपी जो है वो दे रखी है, ये प्राइवेट आईपी है। वो इन तीनों के अलावा जो भी आईपी आपकी आईपी है वो सारी पब्लिक आईपी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चैलेंज फॉर यू, नेक्स्ट में देखो मैंने कुछ आईपी एड्रेस लिखा है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है कि ये कौन सा आईडी है, का आईपी है, कौन सी क्लास का आईपी है, और कौन सा आईपी है, मतलब कि प्राइवेट आईपी है या पब्लिक आईपी है, और कौन सी क्लास का आईपी है, ये कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिए। देखते हैं कौन के सभी साथ के साथ का सही आंसर दे पाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।